हेलो एवरीवन, आज मैं उन सभी के लिए रेसिपी लाई हूँ जो लोग स्टीम वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर सैलेड खाते हैं। तो ये सैलेड खाने का नया तरीका आज मैं लेके आई हूँ, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ये मैंने ले ली है गंवार की फली। सबसे पहले मैंने फली ले ली है और उन्हें बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे काट लिया है। ये देखिए मेरी फलियाँ कट गई हैं, अब इन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक छन्नी ले रही है, इसमें मैं बीन्स और स्वीट कॉर्न इसमें डाल लूँगी, तो स्वीट और अच्छे से पानी से धो लूँगी। देखिए इसके बाद हमें एक कढ़ाई लेनी है जिसपे हमारी छन्नी बिल्कुल फिट हो जाए, या फिर भगोना जो भी आपके पास हो बर्तन जिसपे हम आपका ही छन्नी फिट आए, और उसे पानी को अच्छे से खोला कर उस पर ये हमें रख देनी है स्टीम करने के लिए। ये देखिए, और इसे हम अच्छे से ढक देंगे। ढकने के बाद कम से कम 10 मिनट इसे हम स्टीम कर लेंगे। तब तक हम अपनी प्याज काट लेते हैं। लंबी लंबी मैंने प्याज काट लिया, चार मैंने लहसुन की कलियां बिल्कुल बारीक बारीक कट कर ली हैं, और ये मैंने ऊपर से डालने के लिए बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए प्याज। तो ये देखिए अब हम अपनी चेक कर लेते हैं स्वीट कॉर्न और फली। ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से स्टीम हो गई हैं। ये देखिए, जब आप इस तरीके से स्टीम करेंगे तो आपको किसी स्टीमर की ज़रूरत नहीं है। घर में जो छन्नी है आप उसी से अपनी सब्जियों को स्टीम कर सकते हैं। अब मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, थोड़ा सा डाल दिया है आधी चम्मच देसी घी। अब देसी घी में मैं थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई डाल दूँगी। ये देखिए थोड़ी राई डाल दी है। अब ये जब चटक जाएंगे तो इसमें डालूँगी सबसे पहले लहसुन, क्योंकि लहसुन को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, और लहसुन अगर कच्चा रह जाए तो स्मेल आती है, तो इसलिए लहसुन को पहले डालते हैं। अभी जब लहसुन गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज ऐड कर दिया, प्याज को चलाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए मैंने चिकनाई बिल्कुल इतनी डाली है जिसमें कि ये हमारे लहसुन प्याज भी अच्छे से नहीं भुन पा रहे हैं। लोहे की कढ़ाई है तो ये भुन जाएंगे क्योंकि हैवी होती है, अगर हल्की कढ़ाई होगी तो ये जल जाएंगे, तो इसलिए। अब ये देखिए मैंने नमक डाल दिया इसमें, थोड़ा सा डालूंगी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी जाएगी इसमें हींग। ये थोड़ी सी हींग, तो अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप लोग टमाटर और हरी मिर्च खानी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें हम अपनी स्टीम करी हुई सब्जियाँ डाल देंगे। आप चाहें तो कुछ और सब्जियां भी डाल सकते हैं स्टीम की हुई, मैंने सिर्फ यहाँ गंवार की फली और स्वीट कॉर्न ही डाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि अलग तरीके का सलाद बनाया है मैंने इसीलिए। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। अब इसमें हम हल्का सा नींबू निचोड़ लेंगे। ये देखिए नींबू के मैंने बीज निकाल दिए हैं अच्छे से, अब मैंने इसमें नींबू डाल दिया है। ये देखिए ये हमारी सैलेड तैयार है, ये बिल्कुल हेल्दी है। अब इस पर ऊपर से कच्ची प्याज डाल देंगे थोड़ी सी और सर्व करेंगे। थैंक यू।